हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और मज़े में होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की बूंदियाँ लेकर आई हूँ, जो घर पे तैयार कर की जा सकती हैं और बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है, रमज़ान स्पेशल डिश है, सो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ माय कुकिंग। सो जी व्यूअर्स, देखिएगा मैंने एक पाव करीब जो है बेसन लिया है, और इसके अंदर मैं वन पिंच इसके अंदर मैं मीठा सोडा ऐड करूँगी। ठीक है, और वन पिंच मेरे पास ये अजवाइन है। ठीक है, अजवाइन ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी एज़ पर नीड जाएगा। सॉल्ट आपको पता है। ठीक है, और मैं हाफ़ टेबल स्पून ले रही हूँ सॉल्ट इसमें। ठीक है, और इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जाएंगे, सिर्फ ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और फोर्थ ये बेसन है। ठीक है, और इसको फिर मैं ये जो है चारों इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो जी व्यूअर्स, मैंने ये चारों इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल के जो पाउडर मसाले थे हमारे, ठीक है, और वो मैं मेंशन कर चुकी हूँ आपको। सो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उसको घोल लेंगे। ठीक है, जितना भी पानी जाता है फिर मैं आपको मेंशन कर दूँगी। सो जी व्यूअर्स, ये देखिएगा आप लोग कि मैंने ऑयल जो है वो पहले से प्री हीट कर लिया है। ठीक है, इतना हीट है कि मेरे हाथ पर लग रही है। ठीक है, महसूस हो रहा है इतना हमने इसको प्री हीट कर लिया था पहले ही। और ये मेरे पास कुछ इस तरह के देखिएगा सुराख वाली छन्नी है। ठीक है, जो मोटे सुराख जो है नीचे इधर, और इससे मैं जो है एक चम्मच भर के जो है इसमें मैं ये लूँगी इसका बैटर जो मैंने अभी तैयार किया था, जो अभी मैंने बेसन का जो बैटर तैयार किया है। ठीक है, वो इसके अंदर मैं वन टेबल स्पून इस तरह डालूंगी, और इसके सुराखों में से जितना भी ड्रॉप इसमें टपकेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी बूंदियाँ टाइप बन जाएंगी। ठीक है, और अब हम इसको हल्का सा कलर देंगे। ठीक है, और फिर निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा आज की रेसिपी होती है यहीं पर ही डन। और ये देखिए कितनी खस्ता करारा सी बिल्कुल ये जो है बूंदियाँ बन के तैयार हुई हैं। ठीक है, और ये देखिएगा इसी तरह आप इसको बना के रख सकते हैं, और इसका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरह हो गई हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह ये क्रंची हैं तो ये खुद ही झड़ रही हैं। ठीक है ना, और ये देखिएगा ये जो आपको साइज़ इसका लग रहा है ना, अभी आप इसको अगर पानी में ऐड करेंगे तो ये इससे डबल हो जाएगा। ठीक है, इन्हेंस करेगा। सो ये देखिएगा आज की रेसिपी होती है यहीं पर डन। और इसको आप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको आप रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप लें, बैग जो भी होता है एयर टाइट बैग हो या, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ के इसके अंदर हवा ना जाए, और आप इसको टाइट करके बाहर ही रखें। फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज में अगर जाएंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये देखिएगा बूंदियाँ जो हैं वो रेडी हैं, और बाज़ार के मुकाबले में घर की बूंदियाँ साफ़ सुथरी हैं पहले तो, और जो है वो हमें इतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ती है। क्योंकि आज ही मैंने पूछा, परचेज़ करी थी मैंने बाहर से, तो काफ़ी महंगी थी। ठीक है ना, और बहुत ही कम क्वांटिटी भी आ रही थी, तो मैंने कहा रमज़ान के लिए अपने व्यूअर्स के लिए रमज़ान की स्पेशल ये जो रेसिपी है मैं सिखाती हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही यूं ही बस झटपट में बन जाने वाली है, और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पूरे रमज़ान भर आप यूज़ कर सकते हैं। बस यूज़ करने से पहले आप इसको थोड़ा सा पानी में सोक करें, फोर फाइव मिनट्स इनफ होते हैं। सो इतना बस आप इसको सोक करें, और इसको चाट में मिक्स करके खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही दीजिएगा जी व्यूअर्स, इसी के साथ अक्सर को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट व्लॉग में किसी स्पेशल रेसिपी के साथ रमज़ान से मुतालिक, और फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।